मैं हूं तैमूर अली और आप देख रहे हैं आरटी रैकेट। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के बाद आप बहुत सारे क्रिएटर यूट्यूब पर भी आ रहे हैं, अपने चैनल्स बना रहे हैं जहां पर वो पेश करते हैं अपना तबसरा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग क्रिकेट और क्रिकेट मैच के बाद एनालिसिस करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बारे में जिनका यूट्यूब पर चैनल है और अपना तबसरा और एनालिसिस पेश करते हैं अपने फैंस के सामने। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल आर्ट क्रिकेट को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की इंटरेस्टिंग क्रिकेट वीडियो डेली देखने के लिए। नंबर वन पर हमारे पास रमीज राजा, जो कि पहले क्रिकेटर है मेरे ख्याल जिनका यूट्यूब पर चैनल था और उन्होंने शुरू किया था पाकिस्तान में यूट्यूब पर चैनल का ट्रेंड क्रिकेटर के हवाले से। रमीज राजा का यूट्यूब पर चैनल है रमीज स्पीक्स। उसके बाद चैनल है डॉक्टर नोमान नियाज और राशिद लतीफ का, जिनका चैनल का नाम है कॉट बिहाइंड। शोएब अख्तर, जिन्होंने यूट्यूब पर चैनल बनाया और बहुत ही कम अर्से में उन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे किए, जो कि बहुत बड़ा लैंडमार्क है और 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे करना, और उनके चैनल का नाम है शोएब अख्तर। शाहिद अफरीदी ने भी अपना चैनल बनाया यूट्यूब पर और उनके तकरीबन 4.5 लाख सब्सक्राइबर थे अपने यूट्यूब चैनल पर, उनके चैनल का नाम है शाहिद अफरीदी। मुहम्मद वसीम, जो कि पाकिस्तान के लिए पहले खेल चुके हैं, उनका भी यूट्यूब पर चैनल है, उनके चैनल का नाम है बोल वसीम। तनवीर अहमद, जो कि पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं पहले, उनके चैनल का नाम है तनवीर सेज। इसके अलावा बासित अली, जो एक अच्छे बैट्समैन थे पाकिस्तान के लिए, उनके चैनल का नाम है बासित अली। उसके अलावा इंजमामुल हक का यूट्यूबर चैनल है और इंजमामुल हक के चैनल का नाम है इंजमामुल हक द मैच विनर। सकलैन मुश्ताक, जो कि नया स्पिनर रह चुके हैं पाकिस्तान के लिए, उनके चैनल का नाम है सकलैन मुश्ताक शो। तो यही है कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर जिनका YouTube पर चैनल है और वो अपने तबसरा और एनालिसिस पेश करते हैं अपने फैंस के सामने। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।